राम राम जी। क्या लसारिया का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। और भैया आपके लिए दो बड़ी अपडेट लेकर के आए। एक तो अपडेट जो है ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लेकर जो कोर्ट की इस्तलाह उसको लेकर अपडेट है, और दूसरी अपडेट जो है TGT भर्ती मामले में जो है कोर्ट केस चल रहा है उसको लेकर के जो है अपडेट दूंगा साथियों। तो दोनों अपडेट देखने के लिए जो है वीडियो में जो है शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 32,000 पदों पर जो है भर्ती मामले पर जो है 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था, हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल के बजाय सुनवाई 21 फरवरी तय कर दी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी के 32,000 पदों के भर्ती मामले पर हाई कोर्ट आगामी 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था। इसलिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 के बजाय 21 फरवरी 2024 तय कर दी है। तो सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीटी स्कोर को रद्द कर दिया था, और वेरिफिकेशन के बाद सीटी स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर कर दी, और अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रुप नंबर 56 की मुख्य परीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी, और अनुमति मिलने के बाद जो है ग्रुप 56 के पेपर हो गए। मगर ग्रुप नंबर 56 में जो है ग्रुप नंबर 57 के 41 सवाल रिपीट हो गए, इसीलिए ग्रुप में जो है ग्रुप इसलिए जो है ग्रुप नंबर 56 का पेपर जो रद्द करने के लिए याचिका दायर की हुई है, जिसे इन अपीलों के साथ अटैच किया हुआ। और बाद में आयोग ने हाईकोर्ट से बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति मांगी, तो हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 की अनुमति दे दी और ग्रुप नंबर 56 का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। तो इस अंतिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को अपील खारिज करते हुए आदेश में लिखा, उल्लिखित आदेश अंतरिम प्रकृति का जो है होने के कारण जो है हम इस याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, और उच्च न्यायालय को जो है मुख्य LPA संख्या दे रखी है 1037/2023 और संबंधित मामलों को जो यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने दें, तदनुसार जो विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं सीटी से जुड़े इन मामलों का होगा निपटारा, ग्रुप सी की भर्ती परिस्थिति स्पष्ट होगी। जिन याचिकाओं की जो है याचिकाओं पर सिंगल बेंच ने ग्रुप सी सीटी को रद्द किया था, उन याचिकाओं के एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने बताया कि चूंकि सिंगल बेंच का फैसला याचिकाओं के पक्ष में आया था, और मगर आयोग ने उस पर जो अपील दायर कर दी, इसीलिए इन अपीलों पर जो हाईकोर्ट ने फाइनल बहस सुनने के लिए जो 21 फरवरी 2024 तय कर दी है। उन्होंने बताया कि इन अपीलों में मुख्य 3 बिंदुओं पर फैसला होना है। साथियों कौन कौन से बिंदु हैं? पहला बिंदु सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो ग्रुप सी के सीटी स्कोर में शामिल किए गए हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए सिंगल बेंच ने इस स्कोर को रद्द किया था, और अब अपीलों का निपटारा होते समय इस पर फैसला आएगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन होना चाहिए या नहीं। दूसरा बिंदु एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से संबंधित है, एक्स सर्विसमैन में आरक्षण के क्रम पर फैसला आएगा। और तीसरा बिंदु जो ग्रुप नंबर 56 का पेपर जो रद्द होने से संबंधित है, और उसके अलावा CET नोटिफिकेशन अनुसार कैटेगरी अनुसार 4 गुना को बुलाने का प्रावधान है, मगर कुछ कैटेगरी में 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाया गया था, इसलिए इस बिंदु पर भी जो है फैसला होना है। और अब बात कर लेते हैं, अदालत ने पूछा ग्रुप नंबर 56 के 6,419 पदों के लिए 37,657 उम्मीदवारों को कैसे बुलाया। तो हाई कोर्ट ने गत 4 जनवरी को जो है सुनवाई के समय निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता HSSC 25 जुलाई 2023 के बाद जो है रिवाइज किए रिजल्ट पेश करेगा, जिसे सिंगल बेंच ने रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि ग्रुप नंबर 56 के 6,419 पद थे, और इन पदों के लिए जो है लगभग 37,657 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया। आयोग यह स्पष्ट करेगा कि विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार बुलाए गए, और अगली सुनवाई जो 9 जनवरी को हुई। तो अदालत ने लिखा कि एडवोकेट जनरल ने विस्तृत सूचना की प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को सौंपी है, और जो इस अपील में पार्टी बनना चाहते हैं जिन्हें ग्रुप नंबर 56 के अलावा अन्य ग्रुपों के लिए बुलाया गया है, याचिकाकर्ताओं के वकील इस विस्तृत सूचना को एग्जामिन कर सकते हैं अगर आवेदक ताज़ा याचिका दायर कर सकते हैं अगर वे चाहें तो, ठीक है। तो एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने बताया कि जो विस्तृत जानकारी दी गई थी वह रिवाइज रिजल्ट
पब्लिश नहीं है, इसलिए 18 फरवरी 2024 को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों याचिकाएं दायर की थी जिन्हें हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी। अब वे 18 फरवरी के पेपर में बैठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किस फरवरी को होने वाली सुनवाई पर फाइनल बहस में वे पूरे तथ्य अदालत के सामने रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं TGT भर्ती को लेकर के। तो TGT के 7471 पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर जो 26 फरवरी को जो सुनवाई होगी, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग TGT के 7471 पदों पर भर्ती कर रहा है। इन पदों की लिखित परीक्षा भी हो चुकी है मगर रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो चुका है और TGT भर्ती से संबंधित कई केस अदालत में दायर हो चुके हैं। तो इसमें से एक केस जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का भी है, क्योंकि अदालत ने पहले भी बिजली विभागों में जो है या बिजली निगमों में SDO की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 20 अंक देने के मामले की सुनवाई करते समय अंतरिम रोक लगा रखी है और TGT में 5 अंक देने की याचिका को भी SDO की भर्ती से जुड़े मामले के साथ अटैच कर रखा है और इसीलिए TGT भर्ती में भी जो अपने आप यह रोक लग गई। तो अब मुख्य केस की सुनवाई 26 फरवरी 2024 तय हुई है, तो TGT का यह केस भी जो उसी दिन सुना जाएगा। और इसके अलावा TGT भर्ती मामले में प्राइवेट स्कूलों के अनुभव प्रमाण पत्र, एस्टेट वैध वाले मामले, JBT या BEd मामला, TGT फाइन आर्ट मामले भी जो है अदालत में लंबित है। उधर TGT उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि जैसे ग्रुप सी के अन्य पदों का रिजल्ट निकाला गया है वैसे TGT पदों का भी रिजल्ट निकाला जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें और साथ ही जो साथी चैनल पर नया था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक जल्द जल्द पहुंच सके। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।